नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 25 कॉलेजों की मान्यता हो सकती है खत्म। अग्निपथ योजना को लेकर आगजनी करने वालों को राहत। बिहार में बढ़ी बेरोजगारी दर। साइकिलिंग के खिलाड़ियों की खोज बिहार में इस महीने से होगी शुरू। पंत ने धुआंधार शतक लगाकर बनाया रिकॉर्ड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 25 कॉलेजों की मान्यता हो सकती है खत्म। विश्वविद्यालयों की दयनीय अवस्था के कारण वैसे ही बिहार से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का भविष्य अधर में है। इसी बीच अब आने वाले समय में छात्रों के सामने अंधेरा छाने वाला है, क्योंकि अब विश्वविद्यालय और कॉलेज की खराब व्यवस्था के बीच उनकी मान्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। इस लिस्ट में बिहार के 11 विश्वविद्यालय और 167 कॉलेज शामिल है, जिनमें ही बीते 25 महाविद्यालयों की मान्यता यूजीसी ने खत्म के आदेश को जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इन सभी 25 कॉलेजों में 23 सिर्फ सारण के जेपी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। वहीं दो कॉलेज दाऊदपुर के नंदलाल सिंह कॉलेज और सिवान के सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज का नाम शामिल हो सकता है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जल्द ही इस लिस्ट में बाकी कॉलेजों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। बाढ़ को लेकर तत्पर है सरकार। बिहार और नेपाल में हुई बारिश का असर अब बिहार में बाढ़ के रूप में दिखाई देने लगा है। नेपाल की तरफ से लगातार नदियों में पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई गांवों में तो बाढ़ का पानी प्रवेश भी कर चुका है। हालांकि बाढ़ को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके संकेत भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि बाढ़ को लेकर सरकार पूरे तौर पर तत्पर है। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार के चंपारण, गंडक नदी, बागमती नदी, दरभंगा के धौंस नदी, पूर्णिया के बायसी प्रखंड और सुपौल में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर आगजनी करने वालों को राहत। बिहार समेत कई राज्यों में अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार 3 दिनों तक छात्रों का बढ़ चढ़कर विरोध देखने को मिला था। इस दौरान ही सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में कई ट्रेनों को जलाने का काम किया गया, जिसमें ही लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सिर्फ बिहार से रेलवे को झेलना पड़ा। हालांकि आशंका यही जताई जा रही थी कि आगजनी करने वालों से मुआवजा वसूलने की तैयारी की जाएगी, लेकिन बिहार सरकार ने अब इससे साफ इनकार कर दिया है। इसको लेकर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सरकार की तरफ से जानकारी साझा की गई है। साथ ही बताया गया है कि वो किसी से कोई मुआवजा नहीं वसूलेगी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। बिहार में आया 900 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। बिहार को बीते दिन इन्वेस्टर्स मीट के दौरान ही टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट समेत कई सेक्टर में निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार को कुल 900 करोड़ का प्रस्ताव मिला है, जिसके तहत ही केवेंटर्स एग्रो ने 600 करोड़ तो जेआईएस ग्रुप ने 300 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। केवेंटर्स एग्रो के चेयरमैन और एमडी मयंक जालान ने इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही कहा है कि बिहार औद्योगिक नीति में भविष्य को देखते हुए बनाई गई है और प्रोत्साहित करने वाली है, और एक इन्वेस्टर को हमेशा दो चीजें चाहिए, एक निवेश की सुरक्षा और दूसरा ग्रोथ की संभावना। आज बिहार में दोनों चीजें उपलब्ध है, जिसके बाद जेआईएस ग्रुप के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हरणजीत सिंह ने भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 300 करोड़ निवेश की घोषणा की है। बिहार में कटाव वाले क्षेत्र में होगी हरियाली। बिहार में बाढ़ हर साल की ही समस्या है, क्योंकि हर साल मॉनसून के आते ही बिहार में कटाव वाले क्षेत्र का धंसना शुरू हो जाता है। फिर क्या, बिहार की नदियों के दियारा इलाके में भीषण बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती ही है। हालांकि इन सबके बीच अब कटाव रोकने के लिए नदियों की रेत पर खेती होने वाली है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार की नदियों के दियारा इलाके में जल्द हरियाली नजर आएगी। इसके लिए नदियों की रेत पर कैजुरिना के पौधे लगाए जाएंगे। वहां हरियाली बिखेरने की जिम्मेदारी राज्य के वन उत्पादक संस्था को दी गई है। संस्थान के वैज्ञानिक ने वैशाली के झड़ुआ में इसके पौधे को लगाकर सफल परीक्षण कर लिया है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से गई 6 और लोगों की जान। जहां बिहार भर में बारिश की बूंद ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये मॉनसून काल बनकर आई है, क्योंकि बिहार में भारी बारिश और वज्रपात के कारण अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है। बीते दिन की ही बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में वज्रपात से 6 लोगों की जान गई है। जहां नालंदा जिले में शुक्रवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की जान गई, वहीं जहानाबाद, बांका, बेतिया में ठनका गिरने से एक एक शख्स ने दम तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही 2 जुलाई तक के लिए बिहार में भारी बारिश और ठनका ने की चेतावनी जारी की है। कारों की बिक्री पर बिहार में कोरोना बेअसर। कोरोना काल में ठप पड़ी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रही है। हालांकि कोरोना के 3 लहरों ने उद्योग के हर एक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, जिसमें एक असर कारों की बिक्री पर भी दिख रहा था। इस बीच अब बिहार में कारों की रिकॉर्ड बिक्री की खबर सामने आई है। जी हां, आपने सही सुना, बीते 6 महीने के भीतर राज्य में 44,000 से ज्यादा फोर व्हीलर गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। गाड़ियों की बिक्री के मामले में पटना पहले और मुजफ्फरपुर दूसरे पायदान पर है। वहीं दोपहिया वाहनों की ज्यादा बिक्री के चलते गया तीसरे पायदान पर है, लेकिन कमाई में ये चौथे पायदान पर है। यानी कोरोना संक्रमण का कहर कम होने के बाद बिहार में गाड़ियों का शौक सिर चढ़कर बोल रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर से लेकर कई शहरों के लोग महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। बिहार में बढ़ी बेरोजगारी दर।
बिहार में बेरोजगारी दर दिन हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून के सर्वेक्षण के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर जून में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर महीने भर के पहले की तुलना में कम हो गए हैं। रोजगार संकट के इस दौर में बिहार में बेरोजगारी दर में मई की तुलना में जून में हालांकि मामूली वृद्धि देखी गई है। मई महीने में यह दर 13.3% थी, जून में 14% रही। इस साल के अप्रैल से अगर हम इसकी तुलना करें तो बिहार में रोजगार के अवसरों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नए बजट सत्र की शुरुआत के कारण अप्रैल में बिहार में बेरोजगारी दर में अप्रत्याशित ढंग से बढ़ोतरी हुई है। साइकिलिंग के खिलाड़ियों की खोज बिहार में इस महीने से होगी शुरू। हाल ही में साइकिलिंग के दम पर बिहार का मान बढ़ाने वाली सबिता ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगा पर साइकिलिंग करते हुए पहुंचने का काम किया था, जिसके बाद से ही बिहार में और ज्यादा साइकिलिंग के खिलाड़ियों को ढूंढने का काम शुरू हो गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निर्देश पर बिहार साइकिलिंग एसोसिएशन साइकिलिंग के बेहतर खिलाड़ियों की खोज के लिए इस महीने प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर एसोसिएशन के सचिव कौशल किशोर सिंह ने सारी जानकारी साझा कर दी है। साथ ही बताया है कि प्रतिभा खोज कार्यक्रम जुलाई के महीने में शुरू होगी। कुछ उपकरण विदेश से मंगाए जा रहे हैं, आने पर जल्द ही प्रतिभाओं की खोज शुरू होगी। फिलहाल बिहार के 16 खिलाड़ियों को साइकिलिंग की बेहतर ट्रेनिंग बाहर के राज्यों में दिलाई जा रही है। बिहार के 61 नगर परिषद में नए कार्यपालक पदाधिकारी की हुई तैनाती। बिहार में बड़े पैमाने पर नगर विकास और आवास विभाग ने पुराने नगर निकायों में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक कनीय और सहायक अभियंताओं के तबादले का काम किया है। इस दौरान ही कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता भी बनाए गए हैं। विशेष सचिव सतीश कुमार सिंह के हस्ताक्षर से ही तबादलों की अधिसूचना जारी की गई है। खबर के अनुसार पुराने 142 नगर परिषद में 61 में नए कार्यपालक पदाधिकारी की तैनाती हुई। इसके साथ ही विभाग ने 41 नगर प्रबंधकों को उनके वर्तमान पदस्थापना की जगह नए दायित्व सौंपे हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में इन दिनों मौसम मेहरबान है। तपती गर्मी के बीच हुई बारिश ने लोगों को काफी राहत देने का काम किया है। इसी बीच खुशखबरी यह है कि बिहार में बारिश का असर अभी देखने को मिलने वाला ही है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य के 11 जिलों में जोरदार बारिश के आसार है। जून भर जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं मॉनसून की एंट्री से काफी राहत मिली है। बीते 3 दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 जुलाई तक अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बारिश के कारण राज्य की कई नदियां भी उफान पर है। वहीं जिन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज का नाम शामिल है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सुदृढ़ होगी प्रसव सुविधा। बिहार में बाढ़ की संभावनाओं को बढ़ता देख अभी से ही स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों को तेज कर दिया है, जिसके तहत ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में दवाओं से लेकर तमाम सुविधाओं की व्यवस्था नाव के सहारे हो रही है। वहीं विभाग ने प्रखंड स्तर पर मातृत्व केंद्र की स्थापना कर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में आमतौर पर लोगों को कई किस्म की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उन महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है जिनके प्रसव का समय होता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य समिति की तरफ से सभी जिलों के सिविल सर्जनों को पहले ही पत्र जारी कर हवाला दे दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में कम से कम 1 या 2 मातृत्व केंद्र की स्थापना के लिए ऊंची जगह की पहचान करते हुए जरूरी संसाधन जुटा ले। सुशील मोदी ने की तेजस्वी यादव से विधायकों पर केस करने की खास अपील। राजद के विधायक सऊद आलम के बिहार विधानसभा के समापन के दौरान राष्ट्रगीत के दौरान खड़े नहीं होने का मुद्दा अब गहराता जा रहा है। इसके सम्मान में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बड़े बड़े नेता अपनी अपनी सीट से खड़े हुए थे, लेकिन सऊद आलम अपनी कुर्सी पर ही बैठे नजर आए। फिर क्या था, विधानसभा में बड़ा हंगामा देखने को मिला। इस पर अब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने राजद से विधायक सऊद आलम पर कार्रवाई की मांग की है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी बताए कि उसने ऐसे विधायक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की, क्या राजद राष्ट्रगीत के अपमान को सही मानता है। बिहार विधानसभा सत्र का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से करने की परंपरा है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल राजद के एक विधायक ने शुक्रवार को राष्ट्रगीत के समय खड़े न होकर इसका अपमान किया है। पंत ने धुआंधार शतक लगाकर बनाया रिकॉर्ड। वेस्टर्न बर्मिंघम में खेले जा रहे पुनर्निर्धारित भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के 5वें और अंतिम मुकाबले में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम इंग्लैंड पर हावी है। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ने अपना नेचुरल गेम खेलते हुए इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। पंत ने बिल्कुल वनडे मोड में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 89 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और वो 111 गेंदों पर 146 रन बनाकर आउट हुए और इस दौरान उनके बल्ले से 19 चौके और 4 छक्के निकले। ऋषभ पंत ने सिर्फ 89 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, ये किसी भी भारतीय विकेटकीपर द्वारा सबसे तेज शतक है। पंत ने पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
बिहार में मिले कोविड 19 के 200 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 179 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1029 पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 1, बांका में 16, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 9, भोजपुर में 2, दरभंगा में 6, ईस्ट चंपारण में 2, गया में 4, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 3, खगड़िया में 3, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 6, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 1, नवादा में 1, पटना में 103, पूर्णिया में 1, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 3, सीतामढ़ी में 1, सुपौल में 1, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं एक ऐसे भी मरीज की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 132,897 सैंपल की जांच की गई। वहीं 142 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रामानुज रॉय, शंकर मुखिया, मोहम्मद फैजान, कुश कुमार यादव, कमल चौधरी, मृत्युंजय कुमार, गोल्डन कुमार यादव, विकी कुमार, अमन कुमार, मुन्नी देवी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बाढ़ को लेकर बिहार सरकार की तैयारियों से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।